आधार कार्ड बनवाने और उसके संशोधन को लेकर भले ही सरकार ने दिशा निर्देश जारी किए हैं, लेकिन इसके संचालक उपभोक्ताओं से मुंह मांगी रकम वसूलने से बाज नहीं आ रहे हैं। जिन बैंकों में नए आधार कार्ड बनाने और उसके संशोधन की सहूलियत दी गई, वहां भी ये धन था बेदस्तूर जारी है, लेकिन जिम्मेदार है कि उन्होंने अपनी आंखों पर पट्टी बांधी है, ना कुछ देखना है और ना ही कुछ कार्रवाई करनी है। वैसे तो आधार बनवाना पूरी तरह निशुल्क है, हालांकि आधार कार्ड में बायोमेट्रिक अपडेट के लिए जहां 100 रुपये फीस सरकार ने निर्धारित की, जबकि बच्चों के लिए ये सुविधा पूरी तरह फ्री है। लेकिन इन सबसे अलग जिन लोगों को आधार कार्ड बनवाने और उसमें संशोधन फ्री फ्रेंचाइजी का जिम्मा सौंपा गया है, उन्होंने अपने सेंटरों पर लूट मारी मचा रखी है। विरले ही होंगे जो सरकार के बनाए गए नियम कानून का पालन कर रहे होंगे। अभिनय से मिल लीजिए। जिले के कुरेभार कस्बे में बड़ौदा ग्रामीण बैंक उमेश तिवारी नाम के व्यक्ति को आधार बनवाने और संशोधन की जिम्मेदारी दी गई है, लेकिन बैंक के बजाय इन्होंने अपनी दुकान बैंक के बाहर सजा रखी है। आधार के हर कार्य के लिए इनके चेलों ने जो मुंह खोल दिया वो अपना देना पड़ेगा। अगर नहीं देना चाहते तो बढ़िया, बहुत लोग लाइन में लगे हैं। आधार कार्ड बनवाना निःशुल्क है, तब भी लोगों से 150 रुपये लिए जा रहे हैं। संशोधन 50 से लेकर 100 रुपये लगता है, लेकिन यहाँ 250 से शुरुआत होती है। यानी बैठे बैठाए तिवारी जी दिन भर में 8 से 10 हज़ार का खेला बड़े आराम से खेल लेते हैं। चलिए आधार कार्ड फोटो चेंज कराओ मुझे, फोटो और डेट ऑफ बर्थ 2 रुपये लग दिए, 250। फोटो केवल भैया, फोटो और डेट ऑफ बर्थ 250 से कम न है। क्या नाम है, क्या नाम है आपका? कुराम जी, आप आधार कार्ड बनवाने आए थे, क्या आपका आधार कार्ड बन गया है? बन गया, पर्ची मिल गई। कितना रुपए लिए हैं? 150। कितना? 150। 150 रुपए। क्या आपको इसका लीगल चार्जेस पता है, क्या क्या आपने करेक्शन करवाया है या क्या नया बनवाया है? नया नहीं बना, संशोधन कराया था। संशोधन करवाए, संशोधन में क्या किया है? संशोधन में कागज दिया और फार्म दिया, बस फार्म दिया। इसके अगर नीचे का जो रसीद होती है, वो रसीद कहाँ है अमाउंट की? जहाँ बनवाया तो वहीं है। तो क्या उन्होंने दिया नहीं? नहीं, हमने मांगा नहीं। आपको पता है कि 100 रुपये इसका चार्ज है? पता नहीं है भाई, हमको नहीं पता है। ठीक सर, कुड़ेभार में एक आधार सेंटर है जो कि ग्रामीण बैंक का बताया जा रहा है, जहाँ पर अवैध तरीके से 250, 150, 200 तरीके से वसूली हो रही है। अभी शिकायत आपके माध्यम संज्ञान में आई है और इसको अभी LDM से चेक कराते हैं, क्योंकि आधार कार्ड एक बहुत ही प्राथमिकता का कार्य है और इसमें इस प्रकार से कोई भी शुल्क वसूली का प्रावधान नहीं। तो यदि अगर इस प्रकार की कोई बात है तो निश्चय ही अवैध है, इस पर चेक करा करके दोषी के विरुद्ध कार्रवाई कराई जाएगी। खबर भारतवर्ष के लिए सुल्तानपुर UP से राज जायसवाल की रिपोर्ट। अपने शहर अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।